আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عبد الله بن مسعود الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرا بالايتين من اخر سوره البقره في ليله كفتاه। قال الامام ابن القيم رحمه الله معنى كفتاه يحفظه من شر يؤذيه أو كما قال رحمه الله। قال علي بن أبي طالب ما كنت أرى أحدا ينام قبل أن يقرأ آيتين من آخر سورة البقرة أو كما قال رضي الله عنه। برادران الإسلام, हमारा ये मुख्तसर और मुसलसल दर्स उन जिक्र असकार और उन तालीमात नबवी का तस्किरा करना है जो अहादीस सहिया से साबित हैं और जो जिक्र और जो तालीमात नबवी हमारे लिए एक डिफेंस हैं, एक दिफा हैं दुनिया के शर और दुनिया के फसाद से बचने के लिए, ख़ास करके जराइम और ये बीमारियाँ, कोरोना जैसे बीमारियाँ जो एक फसाद, एक शर है और हलाकत का एक बाइस है, इस जरासीम से बचने के लिए हमने मुसलसल ये जारी रखा है कि वो तालीमात नबवी, वो जिक्र अज़कार का तस्करा किया जाए जो हमारे लिए एक किला का काम दे सके, हुसून का काम दे सके। हुसून अल मुस्लिम कहा गया है, बाद ऐसे असकार को हुसून कहा गया है। हुसून के माने किला, किला जिस किला में एक आदमी बच जा कर के छुप करके अपना दिफा करता है, अपना बचाव करता है, ऐसे ही ये असकार, ये दुआएं हमारे लिए डिफेंस हैं, हमारे लिए दिफा का काम कर रही हैं। शर्त यह है कि एक मुसलमान को मुकम्मल यकीन हो और तवक्कुल अगर हो तो वाकई ये असकार, ये दुआएं हमारे लिए हथियार हैं, हमारे लिए एक मुजरब नुस्खा हैं। उस तालीमात को हमें लोगों के सामने आम करना चाहिए। आज हमने हमारे इस मुख्तसर दरसे में बुखारी और मुस्लिम की वो जामे हदीस है जो वहाँ पर मुहदसिन ने ये कुरान के बाब में इसका तस्करा किया है, और दूसरा अली बिन अबू तारिब का कौल भी मैंने नकल किया है। दो चीज़ें सामने आएंगी। हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन मसऊद अंसारी सहाबी हैं, वो रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन करा बिल आयतैन मिन आखिर सूरत बकरा, फकत दो आयतें, आयतैन बिल आयतैन मिन अवाखिर सूरत बकरा फी लैलह, रात में जो पढ़ने का अहतमाम करेगा दो आयतें सूरह बकरा का, जो आखिरी सूरह बकरा की जो दो आखिरी आयतें पढ़ने का अहतमाम करेगा अल्लाह ताला जो है उसके लिए किफ़ायत करेगा। कफ़ताह के माने नकल किया है अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने। कफ़ताह के माने क्या होता है? मन करा बिल आयतैन मिन अवाखिर सूरत बकरा फी लैलह, रात में जो पढ़ने का अहतमाम करेगा, अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह उसकी कफायत करेगा, उसकी हिफाजत करेगा। यह फाज़हू अल्लाह इब्न क़य्यिम ने इसका माना नकल किया। कफ़ताह के माने क्या होता है? कफ़ताह के माना होता है यह फाज़हू मिन शर यूज़ी, हर वो शर जो डेंजर हो, जो खतरनाक हो, उसके लिए ये डिफेंस है, के लिए ये दुआ, ये कुरानी तालीमात, सूरह बकरा का जो आखिरी जो हिस्सा है ये हिफाजत करेगा पढ़ने वालों के लिए। बहुत बड़ी चीज़ है। कफ़ताह, अल्लाह के नबी ने फरमाया कफ़ताह हर तरह के बला से, शर से, जराइम से, बीमारियां, कितनों खतरनाक जराइम हो अल्लाह ताला ज़रूर हिफाजत फरमाएगा। यहफ़ज़ु मिन शर यूज़ी, शर बहुत ही दुनिया में शर है, वो शर जो मोहलिक हैं, जो कातिल हैं, उस शर से हिफाजत के लिए किला ये काम देगी। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मोमिनून कुल्लुन, ये दुआ है
ये सूरह ये आयतुल कुर्सी का जो ये सूरह बकरा का आखिरी जो हिस्सा लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ उसी में आगे नीचे चले आए ये दो आयतें आयतें फकत जो है पढ़ने का अहतमाम करें अल्लाह ताला इसके किफायत करेगा हिफाजत फरमाएगा। قال علي بن ابو طالب رضي الله عنه ما كنت ارى احدا मुझे नहीं मालूम कि कोई शख्स ऐसा भी कोई शख्स हो मुझे नहीं मालूम कि ऐसा भी कोई शख्स हो जो सोने से पहले इन आयत सूरह बकरा की दो आयतों का पढ़ने का अहतमाम ना करता हो। बहुत ये मुझे ताज्जुब हो रहा है, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा भी कोई इंसान ऐसा भी कोई मुसलमान हो जो दो आयतें सोने से पहले पढ़ने का अहतमाम ना करता हो। ये फजीलत है, पढ़ा जाए रात में हिफाजत और दिफाई एक डिफेंस है जराइम और दुनिया भर के शर से बचना दिफा के लिए बचाव के लिए यह सूरह बकरा का आखिरी दो आयतें जो हैं इसका पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।